तुम इतना परेशान क्यों होते हो? ये जिंदगी जीने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। खाना खाए, पंखा चलाए और सो गए, कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलती। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े ही कमाल की राय लिखी है, आप जिंदगी में खुद को ऐसे मत बनाओ जैसे कि आप बहुत कमजोर हो। आप कभी ऐसे मत सोचो कि यार ये काम बहुत मुश्किल है। सच बताऊं तो इस जीवन में हर एक चीज आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिस वक्त आप सो रहे होते हो, कहीं दूर किसी घर के कोने में कोई लड़का रात को जग के मेहनत कर रहा होता है। देखो, या तो कहानियां बनाओ या तो अपनी कहानी खुद लिखो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लगता है कि जीवन में हर किसी की कामयाबी हाथ नहीं लगती, तो ये बात गलत है। देखो यार, जिंदगी है तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। यहाँ पे कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं बनता कि अभी किताब खोले और एक घंटे में सारा पढ़ लिया। अभी सफ़र की शुरुआत करी और अगले ही पल मंजिल तक पहुँच गए। यहाँ पे कहीं तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। कामयाबी के नज़ारे अपनी मंजिल से ज़्यादा उसके सफ़र के होते हैं। इस सफ़र का लुत्फ़ उठाओ। मैंने बोला ना, इस जीवन में कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं होता। किसी को भी यहाँ एक दिन में मंजिल नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए तुम्हें हर दिन तपना होगा। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ प्यारी है और वो तुम्हारी कामयाबी के आड़े आ रही है, तो उसे भी तुम्हें छोड़ना होगा। अगर मंजिल चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कामयाबी के शिखर तक पहुँचना है तो इतना तो बलिदान देना पड़ेगा तुम्हें। अगर इतना भी ना कर सके तो फिर वो मंजिल नहीं, कोई खाक चीज़ है। देखो, अब जीवन में चले हो तो कुछ त्यागो, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा। ऐसे बैठ के खुद को मत कोसो, धीरे धीरे ही सही तुम आगे चलते रहो। मंजिल कभी भी दूर नहीं, हमेशा पास होती है। और जो करते हैं मेहनत हर रोज, उनके दिल में इस बात का हमेशा एहसास होती है। तुम सफर में चलते रहो खुद को कमजोर समझे बिना, तुम आगे बढ़ते रहो खुद की कमियों को देखे बिना। अगर मंजिल तुम्हारे ख्वाब पे है, अगर तुम दिन भर अपनी मंजिल के बारे में ही सोचते हो, तो यकीनन एक दिन वहां पहुंच जाओगे। कामयाब होने के लिए त्याग जरूरी होता है जिंदगी में। जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी तब तुम इस बात को भी समझ जाओगे। देखो, जिंदगी दो पल की है, इस बात पे तुम यकीन रखो। क्या यूं आए और चले गए? इसलिए जिंदगी जीनी है तो खुद को मिसाल बनाओ। क्या दूसरों शिकायत और क्या दूसरों से कोई गिला, अपनी कहानी खुद लिखो और अपनी दुनिया खुद बनाओ।